नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंफ्रार्थ में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज हम आपको जो मकान दिखा रहे हैं ये 1100 स्क्वायर फीट का है, 22 बाई 50 इसकी लंबाई चौड़ाई है और ये पूरा फेस में मकान है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं और ये टाउनशिप है। जो सुविधाएं आपको फ्लैट में मिलती हैं वो सुविधाएं आपको यहाँ पे आपको टाउनशिप में मिल रही हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का खुद का अपना ट्रांसफार्मर है और अपना पावर बैकअप के लिए यहाँ पे जनरेटर वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा CCTV है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे। तो आइए चल के हम आपको मकान दिखाते हैं, इस मकान में आपको क्या क्या चीज़ें अंदर से बना के दिया जा रहा है। साथियों, यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, कोई भी गाड़ी आप यहाँ पे आराम से आप पार कर सकते हैं, इनोवा जैसी और स्कॉर्पियो भी पार्क हो जाएगा। यहाँ पे समरसेबल पंप के लिए यहाँ पे ये बटन वगैरह दी गई है जिससे आप समरसेबल पंप ऑन कर सकते हैं। इस साइड में आपको लॉन के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, चाहे तो आप यहाँ स्कूटी और बाइक भी आप पार कर सकते हैं एक फोर व्हीलर के साथ। साथियों, इस मकान में आपको दो एंट्री मिलती है, एक मिलती है आपको गेस्ट रूम से, दूसरी मिलती है आपको लॉबी के लिए। और ये आपका जो जीना ये पूरा ये कवर्ड किया गया है स्टील की, इसमें रेलिंग लगाई गई है और नीचे आप देख रहे हैं टाइल्स का अच्छा खासा वर्क हो चुका है और ऊपर जो है लाइट नहीं लगी है लेकिन इसमें इलेक्ट्रीशियन का पूरा वर्क हो चुका है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं गेस्ट रूम में। साथियों, अभी हम गेस्ट रूम में आ चुके हैं। इस जो गेस्ट रूम की जितनी भी स्विचेस दी गई है वो इस जगह दी गई हैं, सभी स्विचेस इसमें मॉडलर लगाई गई हैं। इसका जो कलर है वो काफी रॉयल लग रहा है, नीचे जो है वो टाइल्स का काफी अच्छा यहाँ पे वर्क किया गया है। दूसरी तरफ इस साइड में वॉल पे कस्टम वॉल पेपर से काफी अच्छी तरह से यहाँ पे डिजाइन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस साइड की वॉल पे जो है खिड़की है, ये खिड़की जो है 6x6 की है जिससे कि इस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। ऊपर जो है इसमें छत में जो है थोड़ा सा डिजाइन किया गया है व्हाइट कलर से। अब इसके बाद जैसे हम इस साइड में आते हैं तो ये एरिया हमारा आ जाता है, डाइनिंग का एरिया आ जाता है। इसके बगल हम इस साइड में आते हैं तो ये हमारा मॉडलर किचन आ जाता है जिसमें कि आपको जगुआर की फिटिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके सामने ही आपका ये खिड़की आ जाता है जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से कौन आ रहा है, गेट पे कौन जा रहा है, ये भी यहाँ से पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम इस साइड में आते हैं तो इस रूम में आपको दो बेडरूम मिलता है, दो वॉशरूम मिलता है और एक आपको मॉडलर किचन मिलता है, एक लॉबी मिलती है, एक गेस्ट रूम मिलता है। इसके जो भी लंबाई चौड़ाई है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं मास्टर बेडरूम में।
साथियों इस रूम के जो भी मॉड्यूलर स्विचेस हैं वो इस जगह लगाए गए हैं। इस साइड में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। नीचे ऊपर जो है यहाँ पे आपको लाइट लगाई गई है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपका ये वॉशरूम हो जाएगा। इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे अभी टोटी नहीं लगी है, आपकी जैसी डिमांड रहेगी वैसी आपको यहाँ पे सीट लगा के दिया जाएगा, इंडियन या वेस्टर्न सीट। साथियों इस रूम में आपको एक खिड़की भी मिल जाएगी जो पीछे ओटीएस से कनेक्ट है। ऊपर जो छत है ये व्हाइट कलर से पेंटिंग किया गया है, थोड़ा सा इसमें डिजाइन किया गया है। आइए अब आपको हम ले चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। साथियों इस बेडरूम में जो है यहाँ पे सभी मॉड्यूलर स्विच दिए गए हैं। इसके अलावा इस जगह आपको खिड़की मिल जाएगी जो लॉबी के आपकी एंट्री होगी, और ये आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है जिसमें आपका बेडरूम बना रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे आप अपना एसी वगैरह लगा सकते हैं जिसके पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरी तरफ इसमें जो है वो आपको लाइट लगाई गई है, ट्यूबलाइट, वो आप देख सकते हैं। छत में जो है थोड़ा सा इसमें डिजाइन किया गया है वाइट कलर में पीओपी से। तो आइए हम आपको ले चलते हैं ओटीएस की तरफ। ये हम पीछे आ जाएंगे तो हमें ये ओटीएस के लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। इस साइड में ये टाइल्स लगाई गई है, टोटी यहाँ लगाई जाएगी, वॉशिंग मशीन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। इधर आपका जो है ये वॉशरूम आ जाएगा जिसमें इंडियन सीट लगाई गई है। साथियों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं। साथियों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मेरा उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमें प्रदान करें। तो आइए चलिए मैं आपको छत दिखा देता हूँ। साथियों आप छत देख सकते हैं, ये मकान जो है पिलर बेस पे हैं, आपको बीच में सभी पिलर आपको दिख रहे हैं। ये इसका आप फ्रंट एलिवेशन में आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। इसके साथ ही नीचे आपको ये सामने 20 फीट की आपको रोड मिल जाएगी। आसपास लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। साथियों ये जो मकान है इसका जो प्राइस जो निर्धारित किया गया है वो 39 लाख रुपए इसका प्राइस निर्धारित किया गया है। प्राइस बहुत जेन्युइन है क्योंकि कुर्सी रोड से ये लगा हुआ है, आपको अच्छी लोकेशन है। अब बात करते हैं यहाँ से डिस्टेंस की, तो चार बाग की दूरी यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है आपका। लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। फैजाबाद रोड यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आसपास यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ से आप टैक्सी से आप निकलिए, पूरी लखनऊ में आप जा सकते हैं, तो हर प्रकार की आपको यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएंगी। साथियों अगर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर मिस हो गई है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस मकान का जो फ्लोर मैप प्लान है वो भी नीचे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक बटन को प्रेस करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।